दार्जिलिङ टाइगर हिलमा वर्षको पहिलो हिमपात भएको छ, जसको फलस्वरूप पहाडमा अत्यन्तै चिसो बढेको छ भने जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। तर यता भ्रमणमा आएका पर्यटकहरू भने हिमपात भएको देखेर आकर्षित बन्दै खुशी मनाइरहेका छन्। दार्जिलिंग हम लोग पहली बार आए हैं, अभी हम लोग पूरा घूमने के लिए आए थे। अच्छा। जब हम भूटान भी जाकर आए हैं, गैंगटॉक भी जाके आए हैं, पर दार्जिलिंग बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये स्नो देख के दिल खुश हो गया। मतलब अभी तक जो हमारा 15 डेज का ट्रिप था, उसमें से सबसे बेस्ट हमें ये ट्रिप लग रहा है कि दार्जिलिंग में आकर के हमें। मतलब दार्जिलिंग पहली बार ही घूमने आए आप लोग? पहली बार आए। अच्छा, तो टाइगर हिल में आज ही आया? जी हाँ, टाइगर हिल आज पहले दिन ही आप लोग को हिमपात मिल गया। यस। तो इस दार्जिलिंग में आप लोग को कितना दिन स्टे करना है? दार्जिलिंग में अभी तो हमारा मन हो रहा है कि हम यहीं पे रहें, इतना प्यारा लग रहा है ये दार्जिलिंग। बट हम लोग 2 दिन ही हैं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो 2 दिन घूम करके हम लोग अच्छे से दार्जिलिंग की मेमोरीज लेके वापस राजस्थान जयपुर जाएंगे। चिन्मय मंडल। आप लोग कहाँ से? वेस्ट बंगाल, नॉर्थ 24 परगना। अच्छा अच्छा। टाइगर हिल किस वक्त आया था? सुबह को हम लोग अभी आधा घंटा पहले आए। अच्छा अच्छा। मैं सुना के बर्फ गिरा है, इसलिए हम लोग तो एनजीपी जा रहे थे। बर्फ गिरा कल रात को या सुबह को गिरा हुआ। अच्छा, तो बर्फ कितना ठीक से मिला? बर्फ मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इस पहले बार दार्जिलिंग में आए घूमने के लिए? नहीं, सेकंड टाइम है, हम फैमिली के साथ आए। सेकंड टाइम पहले बार आया था, तब तो बर्फ नहीं था, अभी बर्फ देखा। अच्छा लगा आप लोग? बहुत बहुत अच्छा लगा। बेटे को तो बहुत बर्फ चाहिए था, उसको बोला कहाँ आइस मिलेगा, आइस मिलेगा। पूरा रास्ता वो आइस आइस करके दिमाग खराब कर दिया। पूरा 1 घंटा भर हम लोग तो ये